मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 20वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ें। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? ये वचन जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण यानी गंभीर वचन है। परमेश्वर की आत्मा ये वचन उस व्यक्ति के द्वारा लिखा रही है जिसको परमेश्वर ने अपने दैवीय ज्ञान से आशीषित किया था, और ये वचन सारी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि ये वचन ये बात को प्रकट करता है हमारे जीवन की सच्चाई अनंत काल के लिए अति आवश्यक है। हर मनुष्य जन्म से ही पापी है। परमेश्वर मनुष्य से उसके विवेक के द्वारा बात करता है, लेकिन मनुष्य सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो पाप का आनंद लेना चाहता है। बेशक मनुष्य ये बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो पापी है, फिर भी उसका काम ये प्रमाण देता है, उसका विवेक उसे ही बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर के उस मापदंड से वो दूर है और उसे परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करना है। सो इसलिए मनुष्य रीति रिवाज अलग अलग तरीके के कर उसके शरण में अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है ताकि वो पाप के दाग से बच सके, और जब ये रिवाज करता है तो उसे थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिलती है, लेकिन हृदय का भारीपन उसके जीवन से हटता नहीं है और मरते दम तक वो प्रयास करता रहता है कैसे ना कैसे पाप के बोझ से छुटकारा पाए। लेकिन जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु कर स्वीकार ना करे, वो कभी भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, ना ही अपने पापों के कामों से माफी पा सकता। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया था लोगों की सेवा के लिए, वो सच्चे मन से प्रभु के साथ चलता था, लेकिन समय आया जब परीक्षा में गिर गया। उसने परमेश्वर के लिए खूबसूरत महान मंदिर बनाया, और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कैसे परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से उस मंदिर पर उतरी, और हम सुलेमान की प्रार्थना भी मंदिर की प्रतिष्ठा के समय पहले राजा 8 में हम पढ़ते हैं। उसने बहुत से बलियां चढ़ाई व्यवस्था के अनुसार, पूरे देश के लिए बड़ा भोज का इंतजाम किया, लेकिन ये कोई भी चीज उसके हृदय को शुद्ध नहीं कर पाई। वो पाप से वंचित नहीं था, पाप का गुलाम था, और परमेश्वर को दुख देने वाली कई बातें उसने की। परमेश्वर से पाए ज्ञान ने उसको शुद्ध नहीं किया, ये ज्ञान ने केवल उसको लोगों के ऊपर राज्य करने में मदद किया, भलाई और बुराई के बीच में अंतर पहचानने में मदद किया, क्योंकि सुलेमान ने प्रार्थना भी यही की थी। सो सुलेमान का जीवन हमें सिखाता है कि प्रार्थना का जवाब पाना या परमेश्वर से भौतिक आशीषें पाने का मतलब ये नहीं कि हम पाप से शुद्ध हो गए और परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गया। सर्वशक्तिमान प्रभु जो प्रेम करता है, भला है, सबको अपनी भलाई से आशीषित करता है, मनुष्य कभी भी अपने प्रयास से पाप से छुटकारा पा नहीं सकता, केवल पवित्र परमेश्वर ही कर सकता। पुराने नियम के संत व्यवस्था के अनुसार प्रभु के सामने अपनी बलियां लाते थे, व्यवस्था के प्रति वो विश्वास योग्य थे, परमेश्वर का भय रखकर प्रभु के मार्ग में चलते थे। हमने भी अनुग्रह से मसीह यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, परमेश्वर के संतान के तौर पर हमने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, प्रभु की भलाइयों को हमने चखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन से संतुष्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रभु ने हमें छुड़ाया, हमें हर स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है,
परमेश्वर ने यह क्यों किया? ताकि हम दैवीय स्वभाव के भागी हो जाएं और मोह के द्वारा पैदा होने वाली संसार के सड़ाहट से हम बच जाएं। ध्यान रखें, हम पाप या दुष्टता से भरी हुई दुनिया में रहते हैं। हम बेशक पाप से छुटकारा पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारा पुराना स्वभाव हमारे अंदर है, जिसने पाप के मोह का स्वाद चखा है। सो इसलिए हमें इन दिनों में बहुत ध्यान रखना है अपने आत्मिक जीवन का, प्रभु से लिपटे रहना है, पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करनी है। सच्चे मन से हम प्रभु के साथ आखिरी सांस तक हम चलें। हम कभी भी ये तसल्ली से ना बैठे कि हमारा हृदय अब शुद्ध हो गया, अब मैं पाप से बच गया। सच है, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून से शुद्ध हुए, हमें एक शुद्ध विवेक मिला। अब हमारा विवेक हमें दोष नहीं देता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, अपने विवेक को शुद्ध रखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हमेशा जांचना है। हम पाप भरे दुनिया में रहते हैं, और अगर हम ध्यान से नहीं चले तो अनजाने में हम भी दुश्मन की परीक्षाओं में फंस जाएंगे। हमने हमेशा याद रखना है कि हमारा प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। हम कभी भी अपनी अच्छी बातों की प्रशंसा ना करें, नहीं तो हमारे अंदर घमंड आएगा। हम अपनी तुलना दूसरों से ना करें और दूसरों के सामने अच्छे काम दिखाकर प्रशंसा लेने का प्रयास ना करें। हमेशा टूटा हुआ हृदय के साथ हम अपना दौड़ पूरा करें, इस बात को याद करते हुए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लायक भी नहीं। हम सुलेमान राजा को दोष देते हैं कि वो परमेश्वर से ज्ञान पाकर भी वो चल नहीं पाया, लेकिन कहीं उस न्याय के दिन सुलेमान राजा अपनी उंगली हमारी ओर तो नहीं करेगा? हमने प्रभु से कितनी आशीषें पाई, हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। हमें कितने ध्यान से चलना है ताकि पाप का कलंक ना लगे। हमारे साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमें पवित्र मार्ग में चलने में मदद करता है। सो आइए हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहें एक नम्र दिल के साथ, स्वर्ग जैसे हमसे उम्मीद करता है मसीह के कद तक हम इन दिनों में बढ़े। एक व्यक्ति जो अपनी कमी को जानता है वो प्रभु से और लिपटा रहेगा और पूरे तन मन से अपने उद्धार के कार्य के लिए भय के साथ कार्य करेगा। प्रभु हम सबको आखिरी क्षण तक नम्र रहने में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। आपके अनुग्रह की बहुतायत के कारण हमने पाप से छुटकारा पाया, आपने हमें शुद्ध विवेक दिया। पिता प्रभु, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ये सब आपका अनुग्रह है। नम्रता के साथ आपसे लिपटे रहने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आप पर भरोसा करने के लिए आप हमें मदद करें। प्रभु आज हम जो भी हैं वो सब आपका अनुग्रह है। प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। दिए हुए शुद्ध विवेक के लिए धन्यवाद, इसको हमेशा शुद्ध रखने में मदद करें। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।